हेलो एवरीवन, मैं हूँ मलविंदर कौर फ्रॉम नेचर गार्डन। वेलकम टू माय गार्डन। कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। आज जो मेरा टॉपिक है वो है वर्बीना प्लांट, पीच कलर का बंचेस में इसके फ्लावर आते हैं। देख रहे हैं कितने सारे इसके फ्लावर हैं, बहुत सारे कलर्स में आता है वर्बीना। और ये है मेरा पीच कलर और एक अदर है जो पर्पल कलर में है। विंटर्स का फ्लावर प्लांट है ये। पिंक, वाइट, रेड डॉट्स वाला भी होता है इसमें, बहुत सारे कलर होते हैं वर्बीना। इसे हम कॉमन सा नेम है वर्बीना, और जो साइंटिफिक नेम है इसका पर्पल टॉप वर्बेन और क्लस्टर टॉप वर्बेन और एरिजेंटन वर्बेन और टॉल वर्बेन और पेटी वर्बीना भी इसे कहते हैं। वर्बीना की जो फैमिली है वेरबेनिशिया आई फैमिली से ये बिलोंग करता है। हर्बेशियस पेरिनियल प्लांट है ये, और बहुत सारे कलर्स हैं विंटर्स का। तो ये है बहुत ही प्यारा जो है प्लांट रहता है, आप इसे ज़रूर ऐड करिएगा। इसको जो है वेल्ड्रेन जो सॉइल चाहिए होती है, जिसमें वन पार्ट गार्डन सॉइल वगैरह, तो आप इसे लगाएंगे तो इसकी सॉइल जो है वेल ड्रेन लीजिएगा। वन पार्ट सैंड गार्डन सॉइल, और लीजिए इसके पत्तियों की खाद, वर्मी कंपोस्ट, काउडेंग, मैन्योर, या फिर गोबर की खाद भी ले सकते हैं। जो भी अवेलेबल है आपके पास वो इसे खाद देके अपनी जो वेल ड्रेन जो है इसकी सॉइल बनाइएगा। और इसके अलावा इसको फुल सनलाइट में विंटर्स में हमने रखना होता है, और फुल सन लाइट में ये जो है सर्वाइव करता है। और ये लेट स्प्रिंग तक खिला रहने वाला फ्लावर प्लांट है। अगर आप इसे संभाल के रख सकते हैं तो ये आपका जो प्लांट है गार्डन में हमेशा बना रहता है। इसके जो है राइजोम्स होते हैं, ऊपर से ये ड्राई हो जाता है, लेकिन सॉइल के अंदर राइजोम्स होते हैं, उससे ये प्लांट आपके गार्डन में हमेशा बना रहता है। पानी की रिक्वायरमेंट इसकी आप एक बार दें और सॉइल चेक करके दें, ज़्यादा जो है इसे मॉइस्ट जो सॉइल नहीं पसंद है, जब रिक्वायरमेंट होगी तभी दें। और जो फर्टिलाइज़र है आप इसे दे सकते हैं सॉइल के अंदर, वर्मी कंपोस्ट, काउडेंग मैन्योर, या फिर लिक्विड फर्टिलाइज़र में दे सकते हैं इसे। मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र या बोन मील वगैरह सब मिक्स करके आप उसे रखिएगा और फिर इसे फर्टिलाइज़ करेगा। बहुत सारे इसके अंदर जो है बंचेस में फ्लावर आते हैं, और ये जो है आप बास्केट में भी लगा सकते हैं, पॉट के अंदर भी इसे लगा सकते हैं। इसके अलावा आप इसे जो है ग्राउंड में भी लगा सकते हैं सॉइल के अंदर, तो बहुत सारे इसके जो है आगे आगे फूल बनते रहेंगे और हमेशा बने रहते हैं। ये है मेरा वर्बीना के अंदर आपके साथ जो प्लांट की जो मेरी नॉलेज थी वो है, तो आपके साथ मैंने शेयर की है। लगाइएगा इसे ज़रूर, बहुत सारे कलर्स होते हैं। इसके जो प्रोपोगेशन है आप सीड के थ्रू कर सकते हैं, इसके सीड कलेक्शन करके रखिएगा नेक्स्ट ईयर्स के लिए, तो फिर से ये प्लांट जो आपके गार्डन के अंदर बने रहेंगे। और या फिर इसे अंदर जो राइजोम्स होंगे उससे भी ये प्लांट दोबारा से जो है स्प्रिंग में फिर से हो जाता है। तो वर्बीना को ज़रूर ऐड करिएगा आप अपने गार्डन में। तो ये था वर्बीना का जो मेरे प्लांट हैं उसके बारे में आपके साथ जो शेयरिंग है। चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, खुश रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैप्पी गार्डनिंग। थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू।